हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मूडी फूडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ सांबर मसाला पाउडर की रेसिपी। मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब आप इसे खुद बनाएंगे और यूज करेंगे तो डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सांबर मसाला पाउडर आपका बनके तैयार हो जाता है मात्र 10 मिनट में। और मार्केट से खरीदे हुए सांबर मसाले से टेस्ट इसका बिल्कुल अलग है। जैसे आप मार्केट में खाते हैं सांबर, उस तरह आएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सांबर मसाला पाउडर बनाने के लिए बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट चाहिए, जिनमें हाफ कप हमारा धनिया, ये साबुत धनिया लिया है क्योंकि इसको रोस्ट करना है। 2 टेबलस्पून लिए मैंने अरहर दाल, और आप एक ही चम्मच से पूरा नाप रखिए, चाहे टीस्पून या टेबलस्पून जो भी लें, सब चीज़ें एक ही चम्मच से। उड़द दाल धुली हुई बिना छिलके की ली है मैंने 2 टेबलस्पून, और ये ली है चना दाल 2 टेबलस्पून। तीनों दालों को एक किचन टॉवल से पोंछ लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। करी लीव्स ली हैं 8 से 10, आप फ्रेश भी ले सकते हैं और सूखी हुई भी ले सकते हैं क्योंकि रोस्ट तो करनी है। ये मैंने लिया 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पतली वाली जो मिर्च होती है वो तीखी होती है, तो वो इसमें नहीं यूज़ होगी। मोटी वाली मिर्च होती है कश्मीरी लाल मिर्च, वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने पाउडर ले लिया। सरसों दाना ले लेंगे 2 टेबलस्पून, इसलिए आप भी अगर कोई भी मिर्च ले सकते हैं। काली मिर्च लेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून, और आप या फिर 10 से 11 दाने आप ले सकते हैं। मेथी दाना लेंगे 1.5 टेबलस्पून, और सभी को हम एक एक करके रोस्ट करेंगे। हल्दी पाउडर और हींग लेंगे 1-1 टेबलस्पून। तो सबको हम अलग अलग रोस्ट करेंगे क्योंकि किसी का टेम्परेचर होता है अलग, और किसी को चाहिए जल्दी रोस्ट हो जाता है और कोई कम होता है। सब काम हम स्लो फ्लेम पे करेंगे, आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सभी मसाले जलने का डर रहता है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि मुझे ये पता लग सके आप लोगों को कैसी रेसिपी पसंद आती है। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने एक एक करके सभी मसाले भून लिए हैं, दालें भी भूननी हैं। सिर्फ इसे हम सूखे कपड़े से पोंछेंगे, गीला नहीं करना है किचन टॉवल से। एक बार आप ये सांबर मसाला खा के देखिए, बाहर का मसाला नहीं खाएंगे। बाहर के मसाले में अक्सर जो मसाले में सबसे सस्ती चीज़ होगी उसे ज़्यादा डाल दिया जाता है। मैंने खुद इसे बना रही हूँ, यही खा रही हूँ, और एक बार मैंने यूज़ कर लिया तो मेरे से नहीं खाया गया वो सांभर। नहीं तो मेरे घर में सांभर बहुत पसंद किया जाता है। सभी मसालों को ठंडा कर लेंगे और एक ब्लेंडर जार में मिक्सर में आप इसे पीस लेंगे। हल्दी पाउडर और मिर्ची को नहीं भूनना था और ना ही हींग को, इनको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। बाकी सब चीज़ों को मैंने भुना है, इसको मैंने डाल दिया है। सब मसाले डाल देंगे और अपने 5 मिनट की टेक्निक से फटाफट से इसको ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो आपका सांबर मसाला तैयार है। आप इसे फ्रिज में एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर करके रखें 2 से 3 महीने, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए कितना अच्छा सांबर मसाला तैयार हुआ है। तो ज़रूर बनाइएगा और इंग्रेडिएंट्स एक डायरी में लिख के रख लीजिएगा। हमें या आपको किसी को भी इतने याद नहीं रहते कौन सा मसाला किस में कितना लगेगा, तो हम भी लिख के रखते हैं, आप भी लिख के रखिए ताकि आपको याद रहे।